दुष्यंत से पहले का गजलकार शमशेर बहादुर सिंह इस तरह बोलकर देश प्रेम, ईश्वर प्रेम, सामाजिक प्रेम शमशेर के गजलों में है, ऐसा हमारे सामने ये पूरे बातें हमारे सामने रखे थे। अभी अंतिम वक्ता के रूप में डॉक्टर हीरालाल बछौतिया शमशेर शोक गीतों के आईने में विषय के ऊपर हमारे सामने अपने भाषण व्यक्त करने लिए मैं आमंत्रण कर रहा हूँ। के अध्यक्ष डॉक्टर टी मोहन सिंह जी, मंच पर उपस्थित साथियों और सभागार में उपस्थित मित्रों, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा और महात्मा गांधी अंतर राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में ये वास्तव में दिलीप सिंह जी हमेशा बड़ा बड़ा ऐसा सोचते हैं जिसमें एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, अनेक मल्टीप्लेक्स हो जाता है वो, इसलिए ये जो गोष्ठी है, ये जो आयोजन है, ये सोने पर सुहागा हुआ दो संस्थाओं के योगदान के कारण। और शमशेर पर अभी मैं पूरे सारे जितने विषयों को रखा गया है देख रहा था मैं कि बिल्कुल शमशेर को मथने की कोशिश है, ये इतने आयामों से शमशेर को देखा गया है। ये एक पूरी दृष्टि है जो शमशेर को आपके सामने उभारती है। इसी सिलसिले में ये भी एक विषय है जो मेरे पास है, शमशेर कवि शमशेर शोक गीतों के आईने में। मित्रों, भारतीय परंपरा में शोक गीत कोई नई चीज़ नहीं है, हमारा जो क्रौंच वध है वो भी शोक गीत का एक तरह का शोक गीत ही है। लेकिन जो आधुनिक शोक गीत हम देखते हैं तो हिंदी में निराला की सरोज स्मृति, जो उन्होंने अपनी पुत्री की मृत्यु पर लिखी थी, शोक गीत का सुंदर उदाहरण है। नाटकीय गुणों से ओतप्रोत होने के कारण यह कविता अत्यंत प्रभावपूर्ण भी है। भाषा में कर्ता के जिस निर्लेप व्यक्तित्व का महत्व टी एस इलियट ने स्थापित किया है, वह इस कविता में अपनी चरण सीमा पर है। शमशेर ने व्यक्ति संबंधी अनेक कविताएं लिखी हैं, अभी बार बार चर्चा हो रही है, बहुत कविताएं लिखी हैं। ऐसे दूसरा उदाहरण हमको नहीं मिलता कि किसी कवि ने इतनी कविताएं लिखी हों, जिनमें से कुछ श्रेष्ठ लोकगीतों की शोकगीतों की श्रेणी में आती हैं। व्यक्ति संबंधी कविताओं में संबंधित व्यक्ति के मानवीय सृजनात्मक प्रभाव का सकारात्मक मूल्यांकन किया गया है। इन कविताओं में शमशेर के विश्वास, सौंदर्य बोध, मूल्य चेतना को पहचाना जा सकता है। शमशेर व्यक्ति को भाव में बदल देते हैं, ये उनकी बहुत बड़ी खूबी है, और उस भाव को फिर उमंग के चित्रों में अंकित कर देते हैं। 27 मई 1964 तीसरा पहर कविता उस समय का बोध कराती है जब जवाहरलाल नेहरू का निधन हुआ था। नेहरू के निधन पर भारत की सभी भाषाओं के कवियों ने अपनी शोकांजलि प्रस्तुत की थी। शमशेर राजनीतिक रूप से कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे, जबकि जवाहरलाल नेहरू आप जानते हैं कांग्रेस के नेता और भारत के प्रधानमंत्री थे। लेकिन शमशेर इस भेद से ऊपर उठकर जैसे उनसे एकाकार हो उठते हैं। शमशेर अनुभव करते हैं कि नेहरू के निधन के 2 घंटे के अंदर ही नव दुनिया रही, नव आसमान रहा। जिस हवा में सांस ली जाती थी वह खाली सी लग रही थी। भारत मरना तो अटल सत्य है, हर कोई मरता है, मरेगा। समुद्र की एक लहर गिरती है, दूसरी लहर उठती है, यह क्रम सतत चलता रहता है। इसी क्रम में मरने के बावजूद मनुष्य मानव हृदय को लेकर अकालवत हो जाता है, वह बुझा नहीं है, मिटा नहीं है। जवाहरलाल अपनी सार संभावनाओं को लिए हर सांस में बस गए हैं। इसी प्रकार भारतीय स्वाधीनता संग्राम सेनानी कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान के निधन पर लिखी शमशेर की कविता
वसंत पंचमी की शाम 1948 भी एक श्रेष्ठ शोक गीत है। जबलपुर से नागपुर जाते हुए कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हुई थी। कवि का कहना है कि कवित्री की सरल शक्ति जीवन में विलीन हो गई है। उनमें ओज की जो लहर थी उसमें तलवार की चमक थी। यह खाली म्यान की तरह है, मृत्यु एक आसक्ति की भांति उन्हें लेने आ गई। सब कुछ शुष्क है जैसे अग्निमय हो गया है। वसंत ऋतु में पियू पियू करके पपिया बोल रहा है। लगता है जैसे चिता की तरह वह क्रंदन भी कर रहा है। वसंत ऋतु निराशा से विगलित हो गई है। मौन तमस की वैतरणी दिखाई पड़ रही है। दाह संस्कार के बाद कवित्री के फूल अवशिष्ट अस्थियां नदी में बहाई गईं और वो वर्णन शमशेर ने ऐसा किया जैसे कोई मंत्र पाठ कर रहा हो। गजानन माधव मुक्तिबोध, जिसकी चर्चा नामवर जी ने भी की थी आज, ये कविता एक गजल है। मुक्तिबोध के व्यक्तित्व और कृतित्व का कवि शमशेर पर जो प्रभाव पड़ा उसी की अभिव्यक्ति है ये कविता। कवि ने मुक्तिबोध की जिस अन्यतम विशेषता का सर्वप्रथम स्मरण किया वह है व्यक्तिगत दायरे को पार कर सकना। यह भी इतना कि स्वयं का जीवन बेगाना सा लगे, जमाने भर का कोई इस कदर अपना न हो जाए। कि साहित्य की हो या राजनीति की, मुक्तिबोध जब कुछ कहते थे तो हर कोई वाह वाह कह उठता था। किरण फूटी है जख्मों के लहू से, यह नया दिन है, दिलों की रोशनी के फूल हैं, नजराना हो जाए। गरीब बुद्धुर थे हम, उठ गए दुनिया से अच्छा है, हमारे नाम से रोशन अगर वीराना हो जाए। हमारे नाम से रोशन अगर वीराना हो जाए। बहुत खींचे तेरे मस्तानों ने फाके, फिर भी कम खींचे, रियाजत कम होती है अगर अफसाना हो जाए। चमन खिलता था, वह खिलता था, और वह खिलना कैसा था, कि जैसे हर कली से दर्द का याराना हो जाए। कि जैसे हर कली से दर्द का याराना हो जाए। स्पष्ट है कि मुक्तिबोध शोषितों, पीड़ितों और मानव मात्र के दर्द को अपना दर्द समझते थे। इस कारण दर्द वालों से दोस्ती, भाईचारा और अपनापन उनकी खूबी थी। मुक्तिबोध आत्म परमात्मा की भारतीय अवधारणा का संकेत करते हुए कहते हैं कि माया एक भ्रम है, यह फकत नाम है। क्रांत दृष्टा कबीर की तरह वे कहते हैं, कहीं यह धोखा साबित न हो, इधर मैं हूँ उधर मैं हूँ, अजल तू बीच में क्या है। इधर मैं हूँ उधर मैं हूँ, अजल तू बीच में क्या है। फकत एक नाम है, यह भी धोखा न हो जाए। फकत एक नाम है, यह भी धोखा न हो जाए। शमशेर ने भुवनेश्वर कविता में भुवनेश्वर के व्यक्तित्व की विशिष्ट पक्षों की बड़ी स्पष्टता, सहजता और खुलेपन के साथ प्रस्तुत किया है। चाय, ताड़ी, देसी दारू और रम भुवनेश्वर की खास पसंद थी। वे मानते थे कि केवल रोटी के दम पर मनुष्य का जीना मुश्किल है। शमशेर कहते हैं, न जाने कहाँ किस लोक में आज, जाने किस सदाव्रत का हिसाब बैठे तुम लिख रहे होगे अपनी भवों में, जहाँ पता नहीं प्राप्त भी होगा तुम्हें कोरी चाय या एक हरी पुड़िया का बल भी। हिसाब मसलन ताड़ी कितने की देसी रम और कितनी कम से कम, कितनी असली, कितनी डैश डैश डैश। इंसान रोटी पर ही जिंदा नहीं, इस सच्चाई को और किसने अपनी कड़वी मुस्कुराहट भरी भूख के अंदर महसूस किया होगा। एक तपते पत्थर की तरह भुवनेश्वर जितना तुमने। भुवनेश्वर को लोकगीतों से भी बड़ा लगाव था। शमशेर इस बात को याद करते हैं, यह भुवनेश्वर के अंतर विरोधी गुणों का समाहार है। शमशेर उनके रोमानी स्वभाव का भी संकेत करते हैं। भूले हैं बात करके कोई राजदास से हम
अल्हरी नातवानी कि हम दीवार तक न पहुँचे, कि हम दीवार तक न पहुँचे। रामा रामा हो रामा, अखियाँ मिल के बिछड़ गई अखियाँ। काफिर शाम क्रास के नीचे, इन सबसे उनकी धर्मेतर चेतना का सूक्ष्म मानव चेतना प्रतिबिंबित होती है। शमशेर कहते हैं, उनके गुजर जाने से संगम, गोमती, दशाश्वमेध के सैलानियों के बीच कुछ ऐसा रह गया है जो टूटी हुई नाव की तरह है। किसी एक काफिर शाम में, किसी क्रॉस के नीचे, वो दिन अजय अजब एक लवली आवारा यूथ के हैं, जो धुंधली छलों में छितरे बादलों में कहीं बिखर गए हैं। वो खाना खराब शबाब के शोक गुनाहों भरे बदमाश खूबसूरत दिन, वो एक खूबसूरत सी गाली थूक कर चले गए हैं वहीं कहीं। हाँ, तपती लहरों में छोड़ गए हैं वो संगम, गोमती, दशाश्वमेध के कुछ सैलानियों के बीच न जाने क्या, एक टूटी हुई नाव की तरह, जो डूबती भी नहीं, जो सामने ही हो जैसे, और कहीं भी नहीं, और कहीं भी नहीं। शमशेर के एक मिनट अन्य प्रमुख शोकगीतों में मोहन राकेश पर लिखी, मोहन राकेश के साथ एक तटस्थ बातचीत शीर्षक कविता अग्रगण्य है। कवि शमशेर नाटककार राकेश से संवाद करते नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि नाटककार के रूप में ही याद कर रहे हैं वो। सारा दिन, कल, परसों, आज, मोहन राकेश, मोहन राकेश, मोहन। यूं ही वाम खाही यूं ही खाम खाही बार बार अचानक, और फिर डिस्टर्ब करता रहा मुझे मोहन राकेश, मोहन। जैसे संवाद या बातचीत में होता है, ठीक वही अंदाज और भाषा में शमशेर आर्टिस्ट मोहन राकेश की तलाश में पीछे पीछे जाता है। वह जैसे पुकारता है, किधर हो तुम, किधर छुपे हुए हो। मृत्यु की अचानकता को भिन्न रूपों में देखते हुए कवि कहता है, मौत कोई सेंटिमेंट की चीज नहीं, वह एक ठोस हस्ती है व्यक्ति के लिए, हर व्यक्ति के लिए। मौत हमारी आंखों में अचानक देखती है, देखने लगती है। वह दृष्टि कितनी खड़ी होती है अचानक, मोहन राकेश, मोहन राकेश। मौत के एहसास को कवि आर्टिस्ट राकेश का नाटक के नशे में डूब जाना ही मानते हैं। मौत के एहसास को कवि शमशेर आर्टिस्ट मोहन राकेश का नाटक के नशे में डूब जाना ही मानते हैं। वे कहते हैं, तुम बहुत अधिक पी गए थे क्या, तुम बहुत अधिक पी गए थे क्या, कि अब भी जाम तुम्हारे हाथ में है। उस जाम में तुम क्या कोई नई टेक्निक, नया ड्रामा, नए स्टेज, पात्र, नए एंगल देख रहे हो। मोहन राकेश, यद्यपि मौत का राज तुम मुझे नहीं बता सकते, मगर मौत पर तुम विजयी हो गए हो, मगर मौत पर तुम विजयी हो गए हो, और हम हताश कि इतनी जल्द तुमने यह विजय प्राप्त कर ली। कवि शमशेर मौत की संजीदगी और आर्टिस्ट की अमरता की स्वीकारोक्ति के साथ फिर राकेश से स्टेज डायलॉग में बात करता है। क्या कहता है, क्या कोई बेहतर स्टेज वहाँ बना हुआ है, क्या कोई बेहतर स्टेज वहाँ बना हुआ है, अधिक दक्ष, सेंसिटिव और गूढ़चेता एक्टर्स और एक्ट्रेसेस वहाँ हैं। ट ट ट ट कहाँ की बातें शमशेर जी, हा 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 हा। कवि शमशेर राकेश के नाटकों में व्यक्त रूप का उद्घाटन करता है। वह राकेश से कहता है, तुमने जीवन भर नाटक किए और नाटक के पटाक्षेप की तरह अचानक चुप हो गए। इस संवाद की स्थिति में
शमशेर की भाषा की बुनावट भी काबिल तारीफ है। शमशेर कहते हैं, तुमने न जाने कितने पर्दे उठाए, उतना सेंस ऑफ ह्यूमर मेरे पास नहीं, उतना सेंस ऑफ ह्यूमर मेरे पास नहीं। कहना ना होगा, पूरे अंग्रेजी मुहावरे का शमशेर ने राकेश की खूबियों को नए अंदाज में पेश किया है। शोकगीत में खूबियों को इस प्रकार उभारना शमशेर के ही बस की बात है। मौन को प्रेमिका की तरह जाम में देखना, मौन को प्रेमिका की तरह जाम में देखना, जाम जो आधा भरा है आधा खाली है, सकारात्मक और नकारात्मक दृष्टि को उजागर करता है। बिंब और अप्रस्तुत विधान भी यहाँ द्रष्टव्य है। जब वह मुस्कराते हैं तो कभी नहीं बताते कि मौन को वह एक प्रेमिका की तरह अपने जाम में, अपने खाली जाम में देख रहे हैं। जब वह मुस्कराते हैं तो कभी नहीं बताते कि मौन को वह एक प्रेमिका की तरह अपने जाम में, अपने खाली जाम में देख रहे हैं। राकेश मॉडर्न आर्टिस्ट थे, इसकी कीमत उन्होंने अपने मौन से चुकाई। शमशेर कहते हैं, ओह मॉडर्न आर्टिस्ट, काश तुम इतने मॉडर्न ना होते। ओ मॉडर्न आर्टिस्ट, काश तुम इतने मॉडर्न ना होते, ताकि जिंदा रहते, अभी कुछ और दिन जिंदा रहते। शमशेर के अनुसार राकेश मौत को व्यक्ति का गुमशुदा हो जाना मानते थे। राकेश इस गुमशुदा होने को प्यार भी करते थे। राकेश और शमशेर में यही संवाद जारी है। जिंदा रहना क्या होता शमशेर जी, तुम मुझसे पूछ रहे हो, और मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं एक गुमशुदगी को प्यार करता हूँ। दुनिया कितनी गंदी है, कला झूठ फरेब में डूबी पैसे के लिए लड़ती दुनिया की नहीं हो सकती। एक दो मिनट और लगेंगे। आज की सियासत, आज की गंदी कला की, आज के झूठ की, आज के फरेब और आज के पैसे की, आज के विभत्स शासक और शोषक की नहीं है, शायद नहीं है। कवि शमशेर कला के इस खलन के लिए शासक और शोषक को जिम्मेदार मानते हैं। राकेश के बहाने कवि शमशेर की अपनी दृष्टि भी यहाँ देखी जा सकती है। अंत में राकेश के प्रति अपने शोक गीत में शमशेर राकेश के जीवन के क्लाइमैक्स और नाटक के क्लाइमैक्स को समरूप पेश करते हैं। शमशेर कहते हैं, तुमने इस नाटक में निर्देशक की भूमिका निभाई और एक इशारे पर सारे लाइट्स ऑफ कर दिए, फिर सब लाइट्स ऑन हुए और हकीकत सामने थी। अफसोस कि हम तुम्हें गुड बाय भी न कह सके। कवि शमशेर कहते हैं, ऐसी छलांग ली कि अभी जो सीन अपनी पराकाष्ठा पर उभर रहा था वह तुम्हारे एक इशारे से ऑफ हो गया और फिर सब लाइट्स ऑन हो गईं। अफसोस हम तुम्हें समझ न सके और तुमने हमें चुटकी बजाते समझ लिया और बस रिसीवर रख दिया। हम गुड बाय भी नहीं कर सके। हा 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 के द्वारा कवि शमशेर ने मौत को कबीर की भांति रोमांटिक रूप में पेश किया है। और बस रिसीवर रख दिया कि माध्यम से जीवन रेखा अर्थात लाइफ लाइन का कट हो जाना पेश किया है। इस प्रकार शमशेर ने सहधर्मी कवियों लेखकों के साथ महान व्यक्तियों के बारे में अपनी आत्मीयता प्रकट की है। प्रायः सहधर्मियों के बीच स्पर्धा ईर्ष्या निंदा जैसे भाव होते हैं, लेकिन शमशेर की कविताओं से लगता है कि ऐसे किसी भाव का उनकी कविता में स्पर्श तक नहीं है। उनके शोक गीतों में आत्मीय उद्गार हैं जो उनके उदार व्यक्तित्व का परिचायक भी है। धन्यवाद।